आज भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पूरे देश में आचार संहिता लागू हो गई है और जो निर्वाचन संबंधी बहुत ही एक डिटेल में घोषणा हो गई है। क्योंकि हम जनपद जौनपुर में, हमारे यहाँ पे दो लोकसभाएं हैं, जौनपुर लोकसभा और मछलीशहर लोकसभा। इन दोनों लोकसभाओं में हम लोग निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न कराएंगे। हमारे यहाँ पे अधिसूचना की जो दिनांक है वो 29 अप्रैल तय की गई है। नाम निर्देशन की अंतिम दिनांक 6 मई है, उसकी स्क्रूटनी 7 मई को होगी। नाम वापसी तो अंतिम दिनांक 9 मई रखी गई है। मतदान का दिनांक 25 मई 2024 हमारे जनपद में रखा गया है और मतगणना 4 जून 2024 को दोनों लोकसभाओं में संपन्न होगी। 6 जून 2024 तक हम लोग पूरी निर्वाचन की प्रक्रिया को संपन्न कर लेंगे। तो उसको लेकर ये डिटेल में हमने आप सभी हमारे मीडिया के मित्रों को ब्रीफ करने के लिए बैठक बुलाई थी। इसमें जो जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में मैं आरओ भी हूँ, तो जौनपुर लोकसभा के लिए रिटर्निंग ऑफिसर मैं रहूंगा और मछलीशहर लोकसभा के लिए रिटर्निंग ऑफिसर हमारे मुख्य विकास अधिकारी साई तेजा जी रहेंगे। हमारे कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट का जो न्यायालय है वो आरओ जौनपुर का कार्यालय होगा और अपर जिलाधिकारी भू राजस्व का जो कार्यालय है वो आरओ मछलीशहर का कार्यालय होगा। हमारे जनपद में 35,10,362 कुल मतदाता है। ये सभी लोग 25 मई को मतदान की इस प्रक्रिया में भाग लेंगे। मैं सभी आपके माध्यम से सभी से अपील करूंगा, ज्यादा से ज्यादा लोग निकले, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। पिछले चुनावों में लगभग 59% हमारा वोटर टर्नआउट रहा था और 2019 के लोकसभा चुनाव में 57% हमारा वोटर टर्नआउट रहा था। तो मैं सभी मतदाताओं से आपके माध्यम से अपील करूंगा कि इस वोटर टर्नआउट को बढ़ने की आवश्यकता है। 70% तक कम से कम हम लोग वोटर टर्नआउट अपना लेकर जाएं। इसलिए जो लोग हमारे, बहुत सारे लोग बाहर भी रहते हैं, जनपद में नहीं रहते, तो मेरी उनसे भी अपील है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में भाग लेने के लिए सभी लोग अपने जनपद में आए और संबंधित बूथ पर जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। इस बार कितने नए मतदाता होंगे जो अपने मताधिकार प्रयोग करेंगे? हमारे जो टोटल अभी मैं अलग अलग आपको मैं बता देता हूँ। एक तो हमारे जो कैटेगरीज होती है, 85 वर्ष से ऊपर के जो हमारे मतदाता हैं वो है 18,193, जितने हमारे जो वृद्ध मतदाता हैं। दिव्यांग मतदाता हमारे जो हैं वो 28,825 है जो वर्तमान में है। थर्ड जेंडर मतदाता हमारे 158 हैं और हमारे 4,062 हमारे टोटल सर्विस मतदाता है। 1 लाख से ऊपर अभी हमारे और भी वोटर जुड़े हैं, एग्जैक्ट नंबर मैं अभी आपको बता दूंगा। तो इस पूरी जो SSR की प्रक्रिया है उसके दौरान हमारे कितने नए वोटर जुड़े हैं वो जरा बता दीजिएगा। हाँ 18 से 19। हाँ कितने हैं? 41,241 41,000 हमारे 18 से 19 वाले जो युवा मतदाता है वो जुड़े हैं इस पूरी प्रक्रिया में। और तो इस प्रकार से पूरी पूरी प्रक्रिया हमने संपन्न कर ली है। अभी हमारा कंटिन्यूस रिविजन चल रहा है, तो उसमें भी अभी हमारे पास जो फॉर्म्स डिस्पोज करने के लिए है वो सारे हम लोग सह समय डिस्पोज भी कर लेंगे। इस बार मतदाताओं को जागरूक करने के लिए पिछले बहुत अभियान नहीं चलाए पिछली बार से, ऐसा क्यों? नहीं, ये लगातार अभियान चल रहा था। अब चूंकि पूरी तरह इलेक्शन पे हमारी पूरी मशीनरी काम करेगी, इससे पूर्व आपको पता है जब आचार संहिता नहीं लगती तब तक सरकार के भी बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम्स होते हैं जो अंतिम चरण में होते हैं, तो वो सभी टीम्स उसमें लगी रहती है। चूंकि मार्च का महीना है और तो बहुत सारे जो बजट अनस्पेंड थे वो सारे भी स्पेंड होने थे, इसलिए सभी अधिकारी इसमें लगे थे। अब चूंकि पूरी तरह इलेक्शन का ही काम हमारा फोकस रह गया और हमारे पास पर्याप्त समय है, चूंकि हमारा जो इलेक्शन भी होना है मई माह में होना है, तो इसलिए अब अगले जितना समय हमारे पास है पूरी तरह फोकस्ड होके और अलग अलग जो हमारे वर्ग समूह है समाज के, चाहे हमारी स्त्रियां हैं, पुरुष हैं, युवा है, युवतियां हैं, दिव्यांगजन है, सभी लोगों को टारगेटेड करके और हम लोग इसमें स्वीप की एक्टिविटीज को संपन्न कराएंगे। आचार संहिता का पालन कड़ाई से हो, इसको कैसे देखिए, इसके लिए अभी आज से लगभग 5 दिन पूर्व मैंने स्वयं जितने हमारे राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हैं उन सबके साथ में बैठक कर ली थी। बहुत विस्तार से प्रेजेंटेशन के माध्यम से उनको जो आदर्श आचार संहिता के क्या उसमें रूल्स है उनके अवगत करा दिया था। और हमारी सभी जो प्रशासनिक टीम है उनको भी हमने पहले ही कह दिया था कि चूंकि संभावना थी कि निकट भविष्य में आचार संहिता लग जाएगी, तो हर जगह जहाँ पे बैनर, पोस्टर, होर्डिंग, दीवार पे जो लेखन होता है उन सभी का चिन्हीकरण कर लें। कल भी हमने डिटेल में मीटिंग की थी इसको लेकर, तो हमारी टीमों ने पूरी जगह कैलकुलेट कर लिया था, लोकेशन वाइज उनके पास पूरा डेटा था और आज भी फील्ड में वो सब काम शुरू हो गया। आचार संहिता लगते ही सभी के हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जो मॉनिटरिंग के लिए बने हुए हैं उन सब पे फोटोज आ रहे हैं। और मैंने ये भी कहा था कि जितने हमारे जो ADM साहब है वो
उसके फोटोग्राफ भी आप सूचना विभाग के माध्यम से आपको सबको अवगत करा देंगे, तो वो पर्याप्त मात्रा में सारी चीजें हैं। और राजनीतिक दलों को भी किस प्रकार का आचरण करना है उनको भी जानकारी है। प्रत्याशियों का मैक्सिमम खर्च कितना है इस बार? 95 लाख रुपए अभी इसमें वो सभी प्रत्याशियों के लिए, जो एक प्रत्याशी उनके लिए सीमा रखी गई है। चुनाव आते ही शराब माफिया सक्रिय रहती है, कैसे कार्य? उसके लिए निश्चित रूप से तीन प्रकार के प्रवर्तन कार्य हमको सबसे ज्यादा करने हैं, जिसमें एक तो नकदी का जो प्रचलन होता है वो पूरी तरह रुके, नकदी का हस्तांतरण पूरी तरह रुके, उसको कैरी कोई न करके लेके जाए। उसके लिए हमारी FST और SST टीम्स, जो मैंने कहा कि हर विधानसभा में एक 8-8 घंटे के तीन तीन टीमें लगाई गई है, तो वो सभी चेकिंग का काम करेंगे, उसमें पुलिस के ऑफिसर्स भी हमारे साथ साथ उनके रहेंगे। और इसके अतिरिक्त कहीं पे ड्रग्स आदि का संचरण ना हो और अवैध शराब का संचरण का हो, उसके लिए आबकारी विभाग की पुलिस विभाग की ज्वाइंट टीम्स बनाई गई है, तो वो भी सड़कों पे चेकिंग करेंगे। तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इस प्रकार की कोई अवैध गतिविधि ना हो, और जहां पे मिलती है तो कड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे।